टॉप 5 अनएक्सपेक्टेड कोलैबोरेशन। फर्स्ट नंबर पे आते हैं कृष्णा फीचरिंग एमसी स्टार। कृष्णा बेसिकली जाने जाते हैं उनके लिरिकल पावर्स के लिए एंड टेक्निकल स्किल्स के लिए, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है बाकी आर्टिस्ट के कंपैरिजन। एट द सेम टाइम एमसी स्टार जाने जाते हैं उनकी यूनिक मेलोडीज के लिए, जिसमें हार्ट हिटिंग डिलीवरी होती है उनकी लिरिक्स की, जो कि खुद उनकी पर्सनल सराउंडिंग एक्सपीरियंस से आती है जहाँ से वो बिलोंग। और अगर बात करूँ इस कोलैबोरेशन की, अगर ये कोलैबोरेशन होती है तो देसी हिप हॉप में आग लगना फॉर श्योर। डिवाइन फीचरिंग रखता, डिवाइन जाना जाते हैं उनके रॉ एंड रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग फॉर्म के लिए, जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अप्रोचिंग लगती है, बिकॉज वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। यही रीज़न है कि डिवाइन का एक रियल और एक कट्टर फैन बेस है इंडियन हिप हॉप सीन में। एट द सेम टाइम रफ्तार की बात करें तो रफ्तार खुद एक वर्सेटाइल आर्टिस्ट है, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्विच कर लेते हैं। रैपिड फायर डिलीवरी एंड कैची हुक्स के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी में। और एट द सेम टाइम अगर ये कोलैबोरेशन डिवाइन और रफ्तार की आती है तो इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती इस कोलैबोरेशन से, ये दोनों आर्टिस्ट क्या पुट करने वाले या क्या गाने में फेंकने वाले। किंग फीचरिंग डिवाइन, तो किंग की अगर बात करूँ तो किंग की पावरफुल डिलीवरी, कॉन्फिडेंट लिरिक्स एंड करिश्मेटिक फ्लो, ये तीन मेजर रीजन है जो कि किंग को काफी ज्यादा यूनिक आर्टिस्ट बनाते हैं एज कम्पेयर टू अदर आर्टिस्ट। एंड सेकेंडली किंग एक ऐसे लौते आर्टिस्ट हैं जिनके मैक्सिमम सॉन्ग ग्लोबल चार्ट में भी फीचर होते हैं। तो अगर किंग डिवाइन से क्लैप कर रहे हो तो जानते हो कि डिवाइन का रॉ और रियलिस्टिक एक्सपीरियंस जो गली का वो शेयर करते हैं अपने गानों में, वो ऑडियंस को काफी ज्यादा अप्रोचिंग लगता है। तो अगर किंग और डिवाइन कोलैब कर रहे हैं तो मैं एक चीज मेक श्योर कर सकता हूँ कि ये गाना इमेजिनेबल भी नहीं है कि आप क्या उम्मीद कर सकते हैं दोनों आर्टिस्ट से और ये दोनों आर्टिस्ट क्या बनाते हैं। एनीवे फीचरिंग सीधे मोड, सो अगर ये कोलैबोरेशन होती है इंडियन हिप हॉप सीन के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है, बिकॉज ये कोलैबोरेशन होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इमेजिन जैसा करना होगा। तो बात करूँ एनीवे की, एनीवे जाने जाते हैं उनके कॉन्फिडेंट एंड रिलेटेबल लिरिक्स के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा यंग आर्टिस्ट के बीच पॉपुलर है। एट द सेम टाइम सीधे मौत का अपना खुद एग्रेसिव एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टाइल है, क्योंकि खुद कॉम्प्लेक्स राइम यूज करते हैं अपने सॉन्ग्स में, एंड दैट इज रीजन सीधे मौत एज कंपेरिजन टू अदर आर्टिस्ट काफी ज्यादा यूनिक है। तो अगर ये कोलैबोरेशन होती है तो डेफिनेटली DHS के कान खड़े हो जाएंगे, बिकॉज ये कोलैबोरेशन देखना और सुनना, और साथ साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कौन से दो आर्टिस्ट हैं जिनका तुम कोलैबोरेशन चाहते हो। बादशाह फीचरिंग ड्रावा, बादशाह जाने जाते हैं कैची हुक्स के लिए और स्पेशली वो मिक्स ऑफ पॉप एंड हिप हॉप एलिमेंट जो अपने नॉन कमर्शियल सॉन्ग्स में वो यूज करते हैं, एंड द क्रिएटिव मेलोडिक आइडिया जिसके थ्रू वो लिरिक्स को डिजाइन करते हैं। That is the reason बादशाह बॉलीवुड में एंड टिल द डेट एक लीडिंग आर्टिस्ट रहे इंडियन हिप हॉप कम्युनिटी के। एट द सेम टाइम अगर रागा की बात करूँ तो रागा एक रॉ और रियलिस्टिक आर्टिस्ट है जिनकी वॉइस पूरे DHS में ज्यादा ही फेमस और यूनिक है, बिकॉज एट द सेम टाइम उनकी वॉइस का कोई कंपेरिजन नहीं है एंड उनका कमर्शियल साइड वो तो एक नंबर है। तो दैट इज रीजन अगर बादशाह कमर्शियल सॉन्ग के लिए रागो फीचर करते हैं तो वो कमर्शियल सॉन्ग या इवन नॉन कमर्शियल सॉन्ग भी डेफिनेटली हिट होने वाला है, बिकॉज दोनों ही आर्टिस्ट अलग अलग लेवल पे यूनिक एंड क्रिएटिव है।